और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी का महामंथन लोकसभा चुनावों को लेकर जारी है। सीटों का बंटवारा किस तरह होगा, इस पर सपा की ओर से महामंथन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इसको लेकर अलग अलग बैठकें बुलाई हैं। एक बैठक आज संपन्न हो चुकी है। पदाधिकारियों के साथ तमाम राय मशविरा किया जा रहा है। नेताओं को सख्त निर्देश दिया गया है कि बैठक में लिखित सुझाव लेकर आए, पार्टी को अपनी ओर से लिखित सुझाव दें ताकि चुनावी तैयारियों को पूरी तरह से असली जामा पहनाया जा सके। 8 जनवरी को पहली बैठक हो चुकी है। 9 और 11 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय पर बैठकें संपन्न होंगी और इसको लेकर के गहमा गहमी पार्टी कार्यालय पर दिखाई दे रही है। अलग अलग तारीखों को अलग अलग नेताओं को बुलाया गया है इन बैठकों में और अलग अलग जिलों को जोन के हिसाब से बांटा है समाजवादी पार्टी ने और इसी हिसाब से तमाम नेताओं को पार्टी मुख्यालय पर तलब किया गया है। महानगर और जिला अध्यक्षों की बैठक 8 जनवरी को संपन्न हो चुकी है और अब 9 जनवरी यानी कि आज सभी विधायकों और 2022 के विधानसभा चुनावों में जितने भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के रहे उन सबको आमंत्रित किया गया है और उनके साथ मंत्रणा चल रही है ताकि लोकसभा चुनावों को लेकर अंतिम तैयारियां की जा सके और पार्टी के प्रत्याशियों का जो चयन है वो किया जा सके। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, आज समाजवादी पार्टी के विधायकों और विधायक पद के प्रत्याशी रहे पिछले चुनावों में उन तमाम नेताओं को बुलाया गया है। लखनऊ और अखिलेश यादव के साथ अहम बैठक है। कल भी बैठक हुई थी जिसमें तमाम नेताओं को बुलाया गया था और अब इसके बाद 11 तारीख को भी प्रदेश मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम बड़े चेहरों को बुलाया गया है और तय किया जाएगा कि आखिर अलग अलग सीटों पर लोकसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारी करनी है, क्या रणनीति बनानी है जिसके जरिए समाजवादी पार्टी भाजपा पर दबाव बना सके। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा का महामंथन जारी है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने अलग अलग तारीखों में अहम बैठकें बुलाई हैं और इनमें पार्टी के पदाधिकारियों के साथ राय मशविरा हो रहा है। नेताओं को सख्त निर्देश दिया गया है कि बैठक में वो अपनी बात मौखिक तौर पर नहीं बल्कि लिखित सुझाव लेकर के आए और पार्टी के पटल पर रखें ताकि सभी सुझावों को एक साथ करके कोई फैसला लिया जा सके। 8 तारीख को पहली बैठक हुई थी, आज 9 तारीख को दूसरी बैठक चल रही है और 11 तारीख को तीसरी बैठक बुलाई गई है। अलग अलग तारीखों पर अलग अलग नेताओं को बुलाया गया है ताकि अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं के साथ ये बैठक की जा सके। महानगर और जिला अध्यक्षों की बैठक 8 जनवरी को हो चुकी है। 9 जनवरी को सभी विधायकों और विधायक प्रत्याशियों की बैठक हो रही है ताकि लोकसभा चुनावों को लेकर सबका मन टटोला जा सके, सबकी क्या मन में है ताकि जाना जा सके, पार्टी अध्यक्ष को पता चले कि किन प्रत्याशियों पर दांव लगाना पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा का महामंथन चल रहा है।